नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी किंग पे। एक बार फिर से मैं आपके सामने आ गया हूं द हिंदू एडिटोरियल प्लस वोकैबुलरी लेके। आज की वीडियो में एक और खास बात होने वाली है दोस्तों। मैं बहुत सारे वर्ड्स कवर करूंगा, यानी एक भी ऐसा वर्ड आपके माइंड में छोड़ूंगा ही नहीं जिसकी मीनिंग आपको नहीं आएगी। यानी कि बिल्कुल जीरो से भी जो बच्चा स्टार्ट कर रहा है द हिंदू एडिटोरियल को फॉलो करना, वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू का एडिटोरियल को डिस्कस करना। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आज का जो एडिटोरियल है वो बेस्ड है ममता बनर्जी का तीसरी बार पावर में आना। जैसा कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ, जैसा कि मैं हर बार करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ममता बनर्जी की पार्टी ने 213 सीटें टोटल 213 सीटें हासिल की, ठीक है। और बीजेपी जो सेकेंड मोस्ट पावरफुल पार्टी के तौर पर उभर कर आई है, 77। अगर आप देखें तो इसके अलावा कोई भी पार्टी कुछ खास यहाँ पे कर नहीं पाई है, ठीक है। तो आज का एडिटोरियल इसी चीज के ऊपर बेस्ड होगा। तो ये जैसा कि हेडिंग से पता चल रहा है, हैट्रिक। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, द ऑनस इज ऑन मिस बनर्जी टू एंड वायलेंस, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है मैं कवर कराऊंगा, एंड ट्रम्फलिज्म ऑफ हर सपोर्टर्स। तो दोस्तों, ऑनस मतलब होता है दायित्व, यानी कि जिस किसी की जिम्मेदारी होना। तो जो जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर है, ऑन बता रहा है किस चीज के ऊपर, ठीक है, ममता बनर्जी के ऊपर है। किस चीज के लिए, वाई, ये टू इन्फिनिटिव है और ये वाई का रिप्लाई दे रहा है आपको, वाई, ठीक है। टू एंड व्हाट वायलेंस, तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो जो वहां पर हिंसा हुई वेस्ट बंगाल में, क्या हुआ दोस्तों कि इलेक्शन के बाद हिंसा देखने को मिली। तो अभी यह कहा जा रहा है कि जो दायित्व बनता है वो मिस बनर्जी का बनता है कि उस हिंसा को रोके, और जो वहां पर उसके सपोर्टर्स हैं वो जो एक हिसाब से अहंकार टाइप उनमें आ गया है उसको भी एंड करे, उनको भी वो संभाले, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो स्टार्ट करते हैं इसको। ममता बनर्जी वाज स्वॉर्न इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, चीफ मिनिस्टर चुन ली गई है ये वेस्ट बंगाल की तीसरी बार, ठीक है। कंसेक्यूटिव टर्म, कंसेक्यूटिव मतलब देखिए यहां पर मैंने मेंशन किया, जैसा मैंने कहा था, बिल्कुल एक-एक कोई भी ऐसा वर्ड, मतलब कोई स्टूडेंट अगर बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट कर रहा था हिंदू एडिटोरियल को फॉलो करना, तो उसको भी दिक्कत नहीं होने दूंगा मैं। तो देखिए कंसेक्यूटिव मतलब होता है कमिंग और हैपनिंग वन आफ्टर अनदर, यानी ठीक एक के बाद एक। जैसे मैं यहाँ पर डायग्राम से बताऊं तो इसके बाद जैसे ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, कंसेक्यूटिव यानी इस साल भी, उससे पिछले साल भी, और उससे पिछले साल भी वो चुनी गई, ठीक है। टर्म ऑन वेडनेसडे, ठीक है। ये तो हुई कि वो तीसरी बार चुनी गई। आगे देखिए, फॉलोइंग द रिसाउंडिंग विक्ट्री, रिसाउंडिंग का मतलब क्या है, यहां से देखिए आप, वेरी ग्रेट। क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, 213 सीटें आई हैं दोस्तों, तो बहुत बड़ी बात है ये। तो इसीलिए यहां पर बोला रिसाउंडिंग, बहुत ही बड़ी विक्ट्री, ग्रेट विक्ट्री किसकी, ऑफ तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, टीएमसी, इन द असेंबली इलेक्शन, ठीक है। तो असेंबली इलेक्शन के अंदर अभी तक बेसिक जानकारी दी गई है, ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनी गई है, लगातार तीसरी बार है वो भी, ऐसा नहीं है कि तीन बार बनी है वो, लगातार तीन बार बनी है अभी। और तृणमूल कांग्रेस की जो जीत है ये बहुत ही बड़ी जीत है, ठीक है। आगे चलिए, द टीएमसी हैज वॉन 213 सीट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कंपेयर टू 77 वॉन बाय इट्स प्रिंसिपल चैलेंजर द बीजेपी। तो बीजेपी की जो है 77 आई, वही बेसिक फैक्ट्स बताए जा रहे हैं अभी तक, कोई ऐसी खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। द टीएमसी 47.9% वोट शेयर, जो तृणमूल कांग्रेस का 47.9% वोट शेयर है, इज ऑल टाइम हाई, तो आज तक के इतिहास का सबसे ज्यादा है फॉर एनी पार्टी, वो भी किसी भी पार्टी का, खुद की पार्टी के लिए नहीं, किसी भी पार्टी के तौर पर वो सबसे ज्यादा है। एंड नियरली 10 परसेंट पॉइंट्स, ठीक है, 10 परसेंटेज पॉइंट्स, ठीक है, मोर देन दैट ऑफ बीजेपी, तो इतना बीजेपी से ज्यादा है। द लेफ्ट कांग्रेस अलायंस, जो कांग्रेस का अलायंस था, ड्रू अ ब्लैंक,
ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए यहां पर दोस्तों, ड्रू अ ब्लैंक, ठीक है। तो ड्रू अ ब्लैंक का क्या मतलब है यहाँ पर? इससे पहले एक वर्ड आया था जो मैं बताना भूल गया आपको, वो क्या था आपका? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, हालांकि देखिए इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये समझना है कि प्रिंसिपल को जब हम एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, अब आप देखो यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ, कैसे पता करेंगे सर? तो देखिए, एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताएगा, तो ये चैलेंजर के बारे में ऐड करके जानकारी दे रहा है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब होता है मेन, लेकिन जब इसको नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जब इसको नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो आपके स्कूल में हेडमास्टर होते हैं, ठीक है, वो हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसको जो है दोस्तों, एक इसी से मिलता जुलता शब्द होता है प्रिंसिपल, PRINCIPLE। इसका मतलब रूल या बिलीफ, या फिर किस तरीके से कोई व्यक्ति किसी चीज को फॉलो करता है वो हो जाते हैं। तो मैं सिंपली इसको रूल ले लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझना आसान हो। देखो इसके पीछे ई है और रूल के पीछे भी ई है, तो यहां पर एक तो डिफरेंस ये समझना, कई कई बार उसकी जगह पे उसको और उसकी जगह पे उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर मेन चैलेंजर कौन है? बीजेपी उभर कर आई है। दूसरी टर्म थी हमारे पास ड्रू ए ब्लैंक। तो ड्रू ए ब्लैंक का मतलब भी देख लो, प्रिंसिपल का तो हमने देख ही लिया, इसका मतलब होता है दोस्तों टू गेट नो रिजल्ट और रेस्पॉन्स, यानी कोई रिजल्ट या कोई रेस्पॉन्स ना मिलना। तो जैसा कि हम यहां पर, क्योंकि कांग्रेस अलायंस की बात कर रहे हैं, तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि उनको किसी भी तरह का कोई सपोर्ट या कोई भी रेस्पॉन्स पब्लिक की तरफ से नहीं मिला है, ठीक है। आगे देखिए, अनदर फर्स्ट इन द इलेक्ट्रल हिस्ट्री ऑफ द स्टेट। और ये भी अपने आप में ही पहली बार ऐसा देखने को मिला, जैसे तृणमूल टीएमसी के लिए जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स है वो भी इतिहास में पहली बार देखने को मिला है, और कांग्रेस अलायंस के लिए जो नेगेटिव रेस्पॉन्स देखने को मिला है वो भी पहली बार इतिहास में देखने को मिला है। आगे देखिए, द सीन, क्योंकि देखो दोस्तों यहां पर आर्टिकल लगा है और यहां पर प्रीपोजिशन आ गया, तो बीच वाला ये 100% नाउन ही रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया नाउन आपका, इसका मतलब क्या होता है? चमक, ठीक है। तो द सीन ऑफ द टीएमसीस, ठीक है, अब एपोस्ट्रोफियस लगा है तो हमें देखना पड़ेगा कि हम किसकी चमक की बात कर रहे हैं, हम उसकी चमक की बात कर रहे हैं जो इसके बाद यहां पर मेंशन होगा। तो उसके दो वर्ड तो यहां पर दिख रहे हैं, बाकी भी देख लेते हैं क्या है। एस्टाउंडिंग, तो यहां पे देखो लगता है गली में कोई बेचने वाला आ गया कुछ, तो थोड़ी सी डिस्टरबेंस के लिए माफी चाहूंगा आपसे। तो अस्टाउंडिंग का मतलब देखो यहां पर मैंने आपको लिखा, यहाँ पे देखिए ये रहा, ठीक है, इसका मतलब होता है कॉसिंग समबडी टू फील एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, यानी कि एकदम से किसी मतलब हैरानी वाली चीज। तो जो चमक है, ठीक है, किस चीज की? क्योंकि देखो यहां पर ये सक्सेस के बारे में बता रहा है दोस्तों, ठीक है, तो चमक किसकी? सक्सेस की। तो मेन मुद्दा यहां पर क्या है? सक्सेस है, ये तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो ऐड करके जानकारी दे रहा है, ठीक है। सक्सेस किसकी थी? वो तृणमूल कांग्रेस की। तो टीएमसी की जो हैरत अंगेज कामयाबी थी उसके बारे में बोला गया हैज बीन समवाट, समवाट एक एडवर्ब है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, समवाट डीम्ड, और ये जो है इस वर्ब के बारे में ऐड करके जानकारी दे रहा है, ठीक है। याद रखिएगा दो बातें, एक तो सम और एक होता है समवाट, ठीक है। तो सम जो है ये एडजेक्टिव है, डिटरमिनर भी कह सकते हैं आप इसको, और समवाट जो है एडवर्ब है, तो इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। एडजेक्टिव को एडवर्ब और एडवर्ब को एडजेक्टिव, जैसे यहां पर मान लीजिए सम इस्तेमाल करते तो हम गलत हो जाता है, क्योंकि हम वर्ब के बारे में ऐड करके जानकारी दे रहे हैं, तो ये काम एडजेक्टिव का नहीं होता है, ठीक है। डीम्ड बाई डूअर को दिखाता है, ठीक है, बाई वायलेंस, तो जो हिंसा है उससे कहीं ना कहीं पे जो बहुत ही हैरतअंगेज कामयाबी थी टीएमसी की, वो कहीं ना कहीं डिम्ड होती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है, या फिर धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है, ठीक है। आगे देखिए, एट्रीब्यूटेड लार्जली टू इट्स कैडर्स। अब देखो यहां पर क्या मतलब है इसका? ए मेंबर ऑफ अ काइंड ऑफ ग्रुप। तो अब इट्स इस्तेमाल किए से पहले तो इसका मतलब हम टीएमसी कह रहे हैं,
तो इसका मतलब ये जो भी चीजें हो रही है, जो हिंसा हुई उसके पीछे जो रेस्पॉन्सिबल माना जा रहा है वो किसको माना जा रहा है, इसी के मेंबर्स को माना जा रहा है, दैट हैज क्लेम्ड, जिससे क्या हुआ कि ये माना जा रहा है कि 14 लाइव्स सिंस मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। तो ये जो पूरा पार्ट है ना, द काउंटिंग ऑफ वोट्स ऑन संडे, तो ये आपका पूरा का पूरा पार्ट बता रहा है स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कब से 14 लाइव्स का जाना कब से हुआ है, संडे को जो काउंटिंग हुई वोट्स की तब से लेके, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे बोला ट्रू टीएमसी वर्कर्स, ठीक है, अब ये सब्जेक्ट हो गया, हैव आल्सो बीन किल्ड, ये पैसिव स्ट्रक्चर है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये डूअर नहीं है किल्ड के, ये रिसीवर बताए गए यहाँ पे। तो टीएमसी वर्कर्स भी मारे गए हैं, बट कॉन्ट्रास्ट दिखाएंगे अभी कही गई बात में, बट एज द रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी कौन है, टीएमसी, क्योंकि वही जीती है अभी। द ऑनस, ऑनस मतलब क्या हो गया, दायित्व, जो मैं पहले बता चुका हूं, इज ऑन इट टू एंड द वायलेंस, वही बात बोली गई। तो भाई ये हिंसा है उसको रोकने, हालांकि देखो ये बात बोला एडिटर ने कि टीएमसी के वर्कर्स की भी मौत हुई है, लेकिन दायित्व जिम्मेदारी टीएमसी की ही बनती है इसको रोकने की, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आगे बोला इट इज रीअश्योरिंग, ठीक है, क्या है रीअश्योरिंग, दैट मिस बैनर्जी हैज प्रोमिस्ड आफ्टर टेकिंग ओथ, ठीक है, यहां तक रखते हैं। एक रीअश्योरिंग बात यह है कि मिस बैनर्जी ने प्रोमिस किया, कब किया, आफ्टर और बिफोर जो फ्रेज बनाते हैं वो टाइम के बताते हैं, ठीक है। आफ्टर यानी कि अपना ओथ मतलब होता है दोस्तों शपथ, शपथ लेने के बाद यानी कि सीएम बनने के बाद, दैट क्या, अब इसको दैट जो होता है डिफाइनिंग कंजंक्शन होता है और डिफाइनिंग क्लोज बनाता है, तो डिफाइन करेगा कि क्या रीअश्योरिंग था उनकी तरफ से, दैट एंडिंग द वायलेंस, ठीक है, एंड कंट्रोलिंग द पेंडेमिक वेयर हर प्रायोरिटीज, तो उनकी जो प्राथमिकताएं रहेंगी वो दो रहेंगी, एक तो स्टेट में वायलेंस को एंड करना, एक बात, और दूसरी क्या, पेंडेमिक को कंट्रोल करना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, ठीक है, सी मस्ट नोट, मस्ट जो है बहुत स्ट्रोंग सजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया, मस्ट नोट रीड, क्या नहीं करना चाहिए, रीड दिस, रीड का मतलब यहां पर पढ़ना नहीं है, रीड का मतलब है अंडरस्टैंड करना, क्या दिस क्लोजल, क्लोजल का मतलब देखिए यहाँ पे विराट यानी बहुत बड़ा, गिगेंटिक, गीगाबाइट्स होते हैं जैसे जीबी, तो उसी तरीके से बहुत बड़ी मेमोरी को दिखाता है जैसे वो, तो ह्यूज, अपोजिट मीनिंग का माइन्यूट, डिमिन्यूटिव, ठीक है, डिम जहां पर भी वर्ड आ जाएगा इसका मतलब कहीं ना कहीं चीजें कम होती हुई दिखाई देगी आपको, ठीक है, जैसे यहां पर भी हुआ था देखो, डिम आया था तो चीजें घट रही थी, तो उनकी सक्सेस की जो तेज था, उनकी सक्सेस की जो चमक थी वो घट रही थी, ठीक है। तो अब देखते हैं दिस मस्ट नॉट रीड दिस क्लोजल, अब ये क्योंकि एडजेक्टिव है दोस्तों तो ये नाउन के बारे में ऐड करके जानकारी देगा, तो आगे जरूर दे रखा होगा वो नाउन जिसके बारे में जानकारी दे रहा, तो देखते हैं मैंडेट, बिल्कुल आ गया, देखिए अब मैंडेट का मतलब देखिए क्या है, मैंडेट का मतलब यहां पर गिवन है जनादेश, जो जनता ने उन्हें चुना है, ठीक है, तो वो क्या है, बहुत विशाल है, बहुत विराट है, बहुत बड़ा है, तो उसको उन्हें किस तरीके से नहीं देखना चाहिए, किस तरीके से नहीं समझना चाहिए, उसके बारे में एडिटर यहां पर बोल रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे नहीं देखना चाहिए, एज अ पब्लिक एंडोर्समेंट, पब्लिक एंडोर्समेंट के तौर पर नहीं देखना चाहिए। अब एंडोर्समेंट का क्या मतलब होता है, ये भी महत्वपूर्ण है, एंडोर्समेंट होता है समर्थन, तो उसे पब्लिक समर्थन या फिर और जो होता है ऐसा कंजंक्शन जो अल्टरनेटिव दिखाता, तो जैसा नेचर इस पार्ट का है वैसा ही नेचर आगे का होगा, इवन जो है और ज्यादा स्ट्रेस डालने के लिए इस्तेमाल किया गया, इवन टॉलरेंस ऑफ, किस चीज का टॉलरेंस देखते हैं दोस्तों, ग्रास रूट्स फेरोसिटी, तो फेरोसिटी का मतलब भी कहीं ना कहीं ऐसी नेचर का होगा, तो देखिए क्या है फेरोसिटी का मतलब, जंगलीपन, ठीक है, और यहां पर क्या है कि यहां पर बोला भाई पब्लिक के समर्थन के तौर पे, या फिर यहां पर देखो क्या बोला, टॉलरेंस, टॉलरेंस क्या होता है दोस्तों, सहनशीलता। देखो ममता बनर्जी के काल में पहले भी हिंसाएं हुई,
और उसके बावजूद जनता ने उन्हें सेलेक्ट किया और खूब बहुमत दिया, जनादेश बहुत भयंकर मिला उनको। लेकिन इस समर्थन को उन्हें इस तरीके से नहीं लेना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से जैसा कहा ना रीड वर्ड का इस्तेमाल किया, इस तरीके से नहीं समझना चाहिए कि भाई पब्लिक ने आपको ये जो हिंसा हो रही है इसको समर्थन कर दिया है, या फिर वो सहनशील उसको सहन उन्होंने वो सहनशील हो गए हैं इसको लेकर, ठीक है, किसको लेके, ग्रास रूट फेरोसिटी। फेरोसिटी मतलब क्या है यहाँ पे, जंगलीपन, ठीक है। एंड ये वर्ड दोबारा से यूज हुआ दोस्तों, देखो ऑथोरिटेरियनिज्म, तो मतलब इसका क्या मतलब होता, सत्तावादी। तो एक बंगाल में जो एक इमेज बनी है कि भाई वहां के जो नेता हैं वो बहुत अड़ियल हैं, किसी को समझते नहीं अपने सामने, तो इन चीजों को लेकर ममता बनर्जी को ये नहीं समझना चाहिए, हिंसा को लेकर भी और इस चीज को भी लेकर के कि लोगों ने उनको जो जनादेश दिया है वो इस चीज को समर्थन करते हुए दिया है। ये जो समर्थन मिला है ये बेटर अल्टरनेटिव ना होने की वजह से या उनके अदर अच्छे काम्स की वजह से उनको मिला है, अच्छे कामों की वजह से उनको मिला है, ठीक है। अब देखो दैट हैव, अब इसी को क्लियर कर रहे हैं, इसको और ज्यादा डिफाइन कर रहे हैं इसको, है ना, दैट हैव बिकेन होल मार्क ऑफ हर पार्टी। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक छवि सी बन गई है कि भाई सत्तावादी टाइप की छवि जो है उनकी पार्टी की बन गई है। तो ममता बनर्जी को ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि इन्हीं चीजों को सपोर्ट किया है जनता ने उनको वोट देकर, ठीक है। मिस बनर्जीज पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो एडिटर का कहना है कि मिस बनर्जी की ये पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या है, इज हाई, तो बहुत ज्यादा है, कंसिडरिंग दैट, क्या कंसिडर करें, दैट फिर डिफाइन कर, दैट पीपल रिपोस्ट देयर ट्रस्ट इन हर डिस्पाइट द हाई हैंडेडनेस। हाई हैंडेडनेस का देखिए मतलब क्या होता है दोस्तों, अहंकारी, है ना, अहंकारी होना, तो अहंकार नहीं होगा, अहंकारी, ठीक है, द हाई हैंडेडनेस ऑफ अहंकारी होगा, माफ कीजिएगा, अहंकारी होगा एडजेक्टिव के तौर पे, यहाँ पर ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ, देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन है, यहाँ पे आर्टिकल है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आया तो ये नाउन हो गया क्योंकि आर्टिकल इसी के लिए आएगा, ठीक है। अगर हाई हैंडेड होता तो फिर अहंकारी हो जाता। ऑफ लोकल टीएमसी लीडर्स, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि ममता बनर्जी को कि ये पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, हाई हो जाती है, कि वो इन चीजों को कंसिडर करें कि जनता ने अगर उनको दोबारा से चुना है तो उनके ऊपर एक विश्वास किया है, ठीक है, इन सारी कमियों को अनदेखा करते हुए, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्या कमियां हैं कि उनके जो नेता है वो क्या है, अहंकार की वाली छवि दिखा रहे हैं, सत्तावादी वाली छवि दिखा रहे हैं। तो ये जो दो वर्ड हैं बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जामिनर ने यूज किया है, तो हाई हैंडेडनेस एक वर्ड, और दूसरा वर्ड है आपका ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों वर्ड इसकी इमेज को दिखाने के लिए, ठीक है, और यहां पर देखोगे तो ये जो दोनों वर्ड्स इस्तेमाल किए गए ये टीएमसी के जो नेता हैं, वर्कर्स हैं, उनकी इमेज को दिखाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है, आगे बोला है द बर्डन ऑन हर इज हैवी, जैसे वहां पर कहा था भाई रेस्पॉन्सिबिलिटी इज हाई, बर्डन ऑन हर इज हैवी, तो एक जैसी बातें हैं। एंड सी हैज अ टफ एक्ट टू डू इन रेनिंग इन हर ओन पार्टी। तो जैसे रेन मतलब होता है दोस्तों घोड़े की लगाम, तो खुद ही की पार्टी को लगाम लगाना उनके लिए काफी मुश्किल काम होने वाला है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं मैंने सारे, हाँ सारे वर्ड कवर कर दिए। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बोला है एस मच एस द बंगाल वर्डिक्ट इज इन फेवर ऑफ द टीएमसी, यहां तक देखिए, देख सकते हैं कि बंगाल का जो वर्डिक्ट है, वर्डिक्ट मतलब होता है दोस्तों डिसीजन, फैसला, ठीक है ना, तो हम यहां पर इसको डिसीजन ले सकते हैं। तो याद रखिएगा जब कोर्ट का कोई फैसला आए या इस तरीके से किसी इलेक्शन का जो फैसला आता है तो उसके लिए जो टेक्निकल वर्ड है वो वर्डिक्ट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एज मच एज द बंगाल वर्डिक्ट इज इन फेवर ऑफ द टीएमसी, इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द बीजेपी विच डिड नॉट वॉन्ट टू टेक एन ऑर्गेनिक रूट। एक तो ऑर्गेनिक रूट को भी समझना होगा, ऑर्गेनिक रूट टू इमर्ज एज ए नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल। यहां तक समझते हैं, देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं दोस्तों। अगर हम ये कह रहे हैं कि जनता ने
टीएमसी को सर आंखों पर बैठाया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी है कि बीजेपी को और कांग्रेस को नकार दिया। यहां पर फोकस बीजेपी पे है अभी फिलहाल एडिटर का इस पॉइंट पे, तो बीजेपी के अगेंस्ट है ये भी कहा जा सकता है। तो ये फिर बोला उन्होंने कि बीजेपी जिन्होंने ऑर्गेनिक रूट अपनाया इसमें, तो ऑर्गेनिक रूट का क्या मतलब है? ऑर्गेनिक रूट का मतलब यहां पर ये हो गया दोस्तों कि वो अपने सही तरीके से ना चलकर, मतलब कहीं ना कहीं होता ना कि दूसरी पार्टी के मेन मेन नेताओं को उठा लिया और चीजें कर दी, ठीक है, तो ये सारी चीजें कहलाती है, ये टर्म उन्हीं के लिए इस्तेमाल होती है। आगे देखिए, विदाउट अ पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड मास लीडर्स, जैसा कि मैंने अभी कहा ना कि दूसरे लीडर्स को अपनी पार्टी में बुला लेना और चीजें करना, तो ना तो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन थी और बड़े मास लीडर्स यानी बहुत बड़े लीडर्स का भी अभाव था। इट इंजीनियर्ड, देखो इंजीनियर से बनाया गया, ये वर्ब का पार्ट काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे डिफेक्शन मतलब क्या होता है, डिफेक्शन मतलब दल बदल, यानी इधर वालों को उधर बुला लिया पैसे के दम पे या किसी भी तरीके से कन्विंस करके, कह लीजिए कैसे भी, ठीक है। आगे देखिए और क्या आरोप लगा रहे हैं एडिटर, ट्राइड ब्रेजन, कॉम्यूनल पोलराइजेशन, दोनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कॉम्यूनल एडजेक्टिव है और पोलराइजेशन आपका नाउन है, तो दोनों की मीनिंग दी है मैंने यहां पर, देखिए कॉम्यूनल सामुदायिक, पोलराइजेशन ध्रुवीकरण। तो अक्सर बीजेपी के ऊपर सामुदायिक ध्रुवीकरण का इल्जाम लगता आया है, उनका हमेशा ये फोकस रहा है कि हिंदू वोट्स को अपनी तरफ किया जाए, ठीक है, तो ये उनके ऊपर हमेशा आरोप लगते रहे हैं। ब्रेज का मतलब होता है एक हिसाब से इकट्ठा करना या फिर टाका लगाना या फिर उसको स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, इस सेंस में, इन सेंस में इस्तेमाल किया जाता है आपका ब्रेजन, ठीक है, यहां पर तो इसी तरीके से हुआ है। एंड मिसयूज्ड सेंट्रल एजेंसीज, देखिए एक और आरोप बहुत बड़ा था बीजेपी के ऊपर जो टीएमसी द्वारा लगाया गया इस इलेक्शन के अंदर, कि जो वहां पर सेंट्रल एजेंसीज हैं जो वोट को वगैरह को वोटिंग वगैरह कंडक्ट करवा रही थी, इलेक्शन को कंडक्ट करवा रही थी, उनका मिसयूज बोला गया कि वो उनकी तरफ से एक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि वो पूरी तरीके से न्यूट्रल नजर नहीं आते, ये कहा था ममता बनर्जी ने। एस इट वेंट फॉर द जुगला, जुगला मतलब देखिए नाउन है दोस्तों और इसका मतलब है ग्रीवा सिरा, यानी कि कहीं ना कहीं गला कह लीजिए आप सिंपल भाषा में कहें तो, ठीक है, वेंट फॉर द जुगला, वेंस इन द नेक दैट रिटर्न ब्लड फ्रॉम द हेड, ठीक है दोस्तों। तो अगर यहां पर समझें तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं वीक पॉइंट, ठीक है, वीक पॉइंट या वीक एरिया, ठीक है, तो जो सारी चीजें जो थी ये किसकी तरफ, जो वीकर एरिया की तरफ, ठीक है। आगे देखिए, इट्स बोम्बास्ट, बोम्बास्ट की मीनिंग भी मैंने आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड की है दोस्तों। बोम्बास्ट का मतलब क्या है? बोम्बास्ट का मतलब है हाई साउंडिंग लैंग्वेज विथ लिटिल मीनिंग यूज टू इम्प्रेस पीपल, वो कहते हैं ना हांकना, चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, ये सारी चीजें। एंड ह्यूब्रिस, ह्यूब्रिस मतलब होता है दोस्तों अक्खड़पन, यानी कि एटीट्यूड टाइप, वेयर आउट ऑफ टच विद द सेंसिबिलिटीज, सेंसिबिलिटी देखिए संवेदनशीलता, ठीक है, तो जो संवेदनशीलता थी बंगाल के लोगों की, ठीक है, बंगाली से बोला यहाँ पे, तो वो कहीं ना कहीं मैच होती हुई नजर नहीं आई, ठीक है, वो उससे मैच नहीं कर पाई। एक देख तो बीजेपी के लिए बोला कि वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर चीजों को बोल रहे थे, दूसरा अक्खड़पन बहुत था यानी अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ पा रहे थे, तो ये जो चीजें आउट ऑफ टच नजर आई किसके साथ? विद द सेंसिबिलिटीज ऑफ बंगालीज, ठीक है। आगे देखिए, इट्स ग्रोथ फ्रॉम 3 सीट्स टू, 2016 में 3 सीटें थी दोस्तों इनकी, टू करंट टैली, टैली का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, स्कोर, जो अभी का जो स्कोर है वो क्या है, इज बोला इन्होंने इम्प्रेसिव, वो काफी इम्प्रेसिव है, इस बात से मना नहीं कर रहे हैं एडिटर कि भैया जो इनकी इंप्रूवमेंट है 3 से इतनी सीटें लेकर ना, वो इम्प्रेसिव है। आगे देखिए, द बीजेपी मस्ट नाउ पोज एंड रीथिंक, तो इन्होंने एक सजेशन दी है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि उनको थोड़ा रुकना चाहिए और गहराई से समझना चाहिए, इट्स स्ट्रेटेजी फॉर द पाथ अहेड, आगे उन्हें किस तरीके से चलना है। इट्स अटेम्प्ट्स टू गिव अ कॉम्यूनल कलर टू कंडेमनेबल पॉलिटिकल वायलेंस इंडिकेट दैट बीजेपी इज नॉट ओपन टू दैट,
लेकिन साथ ही एडिटर ने ये इशारा भी कर दिया कि जिस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं उस तरीके से वो इस चीज को फॉलो करते हुए नजर नहीं आ रहे। ठीक है, आगे देखिए, इफ इट वांट्स, इट किसके लिए है? बीजेपी के लिए। इफ इट वांट्स टू बी अ ट्रूली नेशनल पार्टी, अगर वो सच में एक नेशनल पार्टी के तौर पर अपनी छवि बनाना चाहती हैं, बनना चाहते हैं, द बीजेपी मस्ट बी रेस्पेक्टफुल ऑफ इंडिया रीजनल रिलीजियस कल्चरल डाइवर्सिटीज। तो तीनों जो पॉइंट्स बताए, तो उनका कहना है कि जो रीजनल पार्टियां हैं, रिलीजन है, दो बहुत अलग अलग धर्म है हमारे यहाँ पे, अलग अलग कल्चर है, उनको लेकर उनको रेस्पेक्टफुल होना होगा। तो अक्सर देखा गया रैलीस वगैरह के अंदर वो डिसरेस्पेक्टफुल हो जाते हैं अदर किसी दूसरे धर्म के लिए या दूसरे कल्चर के लिए। तो ये चीजें बीजेपी को छोड़नी होगी, ये कहना है किसका? एडिटर का। द कांग्रेस एंड द CPIM दैट सॉट टू ओवरकम देयर फेलियर्स टू बिल्ड अ प्रोग्रामेटिक पॉलिटिक्स थ्रू ऑपरचुनिस्टिक अलायंसेस, ठीक है, इंक्लूडिंग विद द कॉमनल इंडियन सेकुलर, यहां पर मैंने सारे वर्ड यूज कर लिए होंगे। देखिए यहां पर देखिए एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है इसका, निंदनीय, ब्लेमेबल, सेमफुल, सेम मीनिंग के वर्ड है, प्रेजवर्दी और लोडेबल अपोजिट मीनिंग के वर्ड है। एक वर्ड आता हमारा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता, ठीक है, वेराइटी, रेंज, और अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर हम ले सकते हैं यहाँ पर दोस्तों इवननेस एंड यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, आगे देखिए, फ्रंट मस्ट आल्सो नाउ लर्न दैट देयर आर नो शॉर्टकट्स इन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो कांग्रेस के लिए ये कहा गया है कि उन्हें ये समझना होगा कि यहां पर कोई भी शॉर्टकट पॉलिटिक्स में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, विद द टीएमसी रेनिंग सुप्रीम, टीएमसी जो पावर में आ गई है, एंड द बीजेपी फॉलिंग शॉर्ट इन अंडरस्टैंडिंग द स्टेट, और बीजेपी को कह सकते हैं कि भाई थोड़ी सी कमी रहेगी उनको स्टेट को समझने में या वहां के वोटर्स को समझने में, द अपोजिशन स्पेस कैन स्टिल बी फोट फॉर, तो जो अपोजिशन का जो स्थान है वो अभी भी लड़ा जा सकता है। किसके लिए कहा गया ये कहा गया कांग्रेस के लिए कि भैया अगर वो मेहनत करे तो कम से कम अपोजिशन तक तो पहुंच ही सकते हैं, सेकंड पावरफुल पार्टी बन सकते हैं। टू रिक्लेम रिलेवेंस दिस पार्टीज नीड टू रिप्लेस देयर करंट लीडर्स, अगर इन्हें एक संबद्धता या एक ऐसा मतलब कहीं पे एक कॉमन आधार चाहिए। अगर इनको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है कहीं ना कहीं, हम ये कह सकते हैं इन डिफरेंट पार्टीज को, तो इन्हें अपने जो करंट लीडर्स हैं उनको रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, और आगे क्या बोला एडिटर ने, आगे कहा डू सम ऑनेस्ट और पूरी ईमानदारी से सोल सर्चिंग, बहुत इंपॉर्टेंट और प्यारी टर्म है दोस्तों। देखिए क्या मतलब है इसका, सोल सर्चिंग का मतलब है एन इन डेप्थ मतलब पूरी गहराई से ऑनेस्ट एवेल्युएशन और एग्जामिनेशन ऑफ योर लाइफ मोटिवेशंस, वैल्यूज, इमोशंस रिगार्डिंग योर लाइफ पाथ। तो यहाँ पर लाइफ की जगह पे पार्टी की बात हो रही तो पार्टी आ जाएगा, एंड बिल्ड ए न्यू पॉलिटिक्स। तो दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट में कंक्लूड करते हुए एडिटर की सजेशन है वो ये है कि इन पार्टीज को अगर आपस में कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, सही तरीके से आगे बढ़ना है, देश को सुधारना है, अच्छे काम करने हैं, तो करंट लीडर्स को बदलने का काम करना पड़ेगा और सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी, गहराई से समझना पड़ेगा कि आगे इनको किस तरीके से चलना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, और एक नई पॉलिटिक्स का निर्माण करना चाहिए, यानी ये जो गंदी राजनीति है इनसे ऊपर उठकर देश के हित में इनको सोचना होगा। तो रेलिवेंस के बारे में मैंने यहाँ पर आपको इस वर्ड के बारे में गिवन दिया है सारा चीजें, संबद्धता, कनेक्शन, एप्लीकेबिलिटी और अपोजिट मीनिंग के वर्ड भी यहाँ पर गिवन है आप इसका एडिटोरियल। अब मैं आपके सामने रखने वाला हूँ आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो दोस्तों आज का जो वर्ड है वो है कोलोजल, और देखिएगा सेम जो ऐसा वर्ड आपको छांटना गिवन ऑप्शन में से, दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग, ठीक है, बेस्ट एक्सप्रेस यानी सेम मीनिंग का वर्ड देना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, ये चीज आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, वीडियो खत्म होने पर जो कमेंट करके आप बताएंगे, और जो भी एक लक्की स्टूडेंट रहेगा उसका स्क्रीनशॉट मैं दिखाऊंगा। माफ कीजिएगा, आज भी मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था लेकिन उस बच्चे का मैं यहाँ पर कुछ टेक्निकल इश्यू होने की वजह से नहीं हो पाया। मैं
कल जो है यानी कि जो लास्ट वीडियो था और आज की वीडियो का दोनों का ही स्क्रीनशॉट लेकर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, यानी 6 मई का भी और 7 मई का भी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये ईमानदार मेहनत आपको पसंद आई होगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊं, तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, हैव अ नाइस डे।